बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई एम योर टीचर प्रोफेसर मोहम्मद नसीर शहजाद एंड इट्स आवर लेक्चर नंबर ऑफ 4। टुडे वी डिस्कस अबाउट जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग मीन्स व्हाट? टू प्रिपेयर जर्नल जर्नल। टू प्रिपेयर जर्नल जर्नल मीन्स व्हाट? टू पास द एंट्रीज। एंट्री को अब हम पास करने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को अगर याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 3 में जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने डेफिनेशन का पहला जो फीचर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बात शुरू हुई थी हमारी रिकॉर्डिंग से, तो ये आज रिकॉर्डिंग की हम बात करें। हाउ इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग इज थ्रू जर्नलाइजेशन। रिकॉर्डिंग इज थ्रू पासिंग द एंट्रीज। एंट्री को पास करने का मतलब क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट। डूइंग डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट मींस बाय डेबिट एंड क्रेडिट? वी सी ऑन इन टाइप ऑफ एंट्रीज, बट बिफोर टाइप ऑफ एंट्री, बिफोर वी गो टू एंट्री, वी डिस्कस सम रूल्स अबाउट एंट्री, अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? वी डिस्कस इट। देयर आर रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। Rules for debit and credit, and these are as follows. There are debit items and these are credit items. Why we need debit and credit items? क्योंकि एंट्री में जब भी हमने कोई एंट्री पास करनी है तो उस एंट्री में डेबिट और क्रेडिट होता है। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए ये, फॉर एग्जाम्पल आपको ये एंट्री दिखाई गई है, ये डेबिट का हिस्सा है और ये क्रेडिट का हिस्सा है। अब इसने डेबिट पे क्यों आना है और इसने क्रेडिट पे क्यों आना है, इसके बारे में हम रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। वो रूल्स क्या है? वो डेबिट क्रेडिट रूल्स कहलाते हैं। दो तरह के, कुछ डेबिट्स की आइटम्स और कुछ क्रेडिट्स की आइटम है। डेबिट आइटम्स कौन सी है? सबसे पहले व्हाट कम्स इन। अब हमारे टीचर ने जब हम पढ़े थे तो हमें एग्जांपल दी थी, उसने कहा जी लेट्स सपोज ये मार्कर है, बोर्ड मार्कर, ये मेरे पास आ गई, मेरी पॉकेट में एंटर हो गई, मेरे बिजनेस में आ गई, तो ये मेरे लिए डेबिट हो गई। एंड व्हाट गोज आउट, ये मार्कर मेरे से चली गई, मैंने किसी को दे दी, मैं बेच दी या वैसे ही किसी को दे दी, मेरे से चली गई, तो दैट इज गोज आउट एंड इट इज क्रेडिट। व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। मेन रूल यही है, जो बिजनेस में आता है वो बिजनेस के लिए डेबिट होता है और जो बिजनेस से जाता है वो बिजनेस के लिए क्रेडिट होता है। ये बात आपने पल्ले बांध लेनी है, ये मेन रूल है, यही बेसिक रूल है, इसी के ऊपर नेक्स्ट रूल्स भी फॉलो होंगे। व्हाट कम्स इन जो आता है वो डेबिट है, व्हाट गोज आउट जो जाता है वो क्रेडिट होता है। उसके बाद एक्सपेंसेस, अखराजात हमेशा डेबिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अखराजात मींस आपका, फॉर एग्जांपल सैलरी, आपने सैलरी पे की है, तो जब सैलरी आपने पे की है तो आपके पास एक कैश गया है, कैश क्रेडिट होगा और सैलरी का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, हमेशा वो डेबिट होते हैं। मजीद जब हम उसका जर्नल जर्नल बनाएंगे, एक्सपेंसेस को भी हम जर्नल जर्नल बनाएंगे तो हमें फर्दर क्लियर हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिट, जो आमदनियां होती हैं, आप कोई चीज बेच कर आप पैसे ले रहे हो, कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश आ रहा है डेबिट, और उसके अगेंस्ट जिस वजह से आ रहा होता है, जो आमदनी है आपकी, जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड इनकम्स आर क्रेडिट, दूसरा रूल। थर्ड रूल, परचेजेस। देखिए परचेजेस की शक्ल में क्या हो रहा है, आपने चीज खरीदी है तो खरीदने की शक्ल में क्या होता है? चीज आती है ना, बिल्कुल, तो जी चीज आई है मेरे पास। When I purchased something, जब मैंने वो चीज खरीदी तो मेरे पास वो चीज आई, तो बेसिकली वो भी आ रही है, परचेजेस की शक्ल में चीज आ ही रही होती है, इसलिए परचेजेस आर ऑलवेज डेबिट। एंड इट्स अगेंस्ट सेल्स ऑन सेकंड साइड, ऑन अदर साइड, ऑन क्रेडिट साइड, सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिट, बिकॉज व्हेन यू गुड सोल्ड, व्हेन यू सोल्ड समथिंग, थिंग्स आर गोज आउट, चीजें आपसे जाती हैं और कैश आपके पास से आ रहा है। तो हम यही बात बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जो आ रहा है वो डेबिट है और जो जा रहा है वो हमारा क्रेडिट है। उसके बाद इंक्रीज इन एसेट, ये भी वही रूल है। देखें बिल्डिंग है मेरे पास, पहले एक बिल्डिंग है, मैंने एक नई और बिल्डिंग खरीद ली, पहली बात ये एसेट हमने डिफाइन करना, तो एसेट को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स,
वो तमाम चीजें जिनसे बेटे बिजनेस किया जाता है, जो बिजनेस को करने के लिए जरूरी होती हैं, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एसेट्स, ऑल दोज आइटम्स आर कॉल्ड एसेट, लाइक फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है, कैश है, ये सारे आपके एसेट्स हैं। तो जब इनमें इजाफा होगा, आपके पास पहले एक बिल्डिंग थी, एक और बिल्डिंग आ गई, तो ये भी तो बेसिकली आ ही रही ना, आपके पास पहले गाड़ी थी, और गाड़ी आपने खरीद ली, एक मशीन थी, अब दो मशीनें होगी, 10 चेयर्स थी, 50 चेयर्स होगी, तो चीजें इंक्रीज हो रही है, इट मीन चीजें आ रही हैं, तो लिहाजा ये डेबिट्स होती जाएंगी और सेल्स की शक्ल में चीजें जा रही होती हैं, तो क्रेडिट हो जाएंगी। इसी तरीके से इंक्रीज इन एसेट, जब एसेट में इजाफा होता है तो ये डेबिट होता है, और जब डिक्रीज इन एसेट, एसेट में कमी होती है, तो ये क्रेडिट होती है। इसी के अगेंस्ट जो लाइबिलिटी का रूल है वो हमारा उल्ट है, एसेट्स और लाइबिलिटीज आपस में उल्ट रिलेशन रखती हैं। जैसे लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती हैं तो ये डेबिट होती हैं, हमारी ऑब्लिगेशन जब कम होती हैं, जब हम पे आउट कर देते हैं तो हमें फर्दर पे नहीं करना पड़ता, तो वो हमारे लिए क्रेडिट होता है, और जब हमारा लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। तो ये बेटे रूल्स थे डेबिट एंड क्रेडिट के, प्लस 5 10 रूल्स हैं जिनकी ये, और यही रूल्स हैं जिनकी बेस पे ये सारा जनरल जनरल बनना है। ये जनरल जनरल सारे का सारा इन्हीं 5 रूल्स 5 जमा 5 10 रूल्स के ऊपर मुश्तमल है। जिस बच्चे को ये रूल्स आ जाएंगे, जो बच्चा रूल्स को अंडरस्टैंडिंग कर लेगा, वो समझे अकाउंटिंग उसको आ गई। और ये रूल्स बेटे एक दिन में नहीं आते, इस पे आपका 1 माह लग सकता है, 2 माह लग सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार करें, एंट्रीज को करें, जर्नल्स को करें, क्वेश्चंस को करें, बार बार रिपीटेडली परफॉर्म इसको करते जाएं। मैं आपको बुक भी रिकमेंड आज कर देते हैं कि हमने कौन सी बुक लेनी है, तो बुक का मैं आपको लिख देता हूं। आपकी जो बुक होगी इसकी अकाउंटिंग की, वो सुहेल अफजल साहब हैं, सुहेल अफजल, इस ऑथर की आपने बुक ले लेनी है, ये आपका ऑथर है बुक का, इस ऑथर की आपने बुक ले लेनी है, सुहेल अफजल। तो उस पर आपको बहुत से प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये रूल्स मैं बता रहा हूँ कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जब आप पहले डिफाइन करेंगे कि कौन सी चीज इसमें क्या है, एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनकम्स कौन सी हैं, एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज कौन सी है, आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, परचेजेस में क्या कर रहा हूँ, सेल्स में क्या कर रहा हूँ, जब तक आप ये चीजें डिफाइन नहीं कर पाएंगे आपको इनकी रूल्स की समझ नहीं लगनी। और ये कब डिफाइन कर पाएंगे, जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बार बार रिपीटेडली करेंगे, तो फिर हम इनको कर लेंगे इजीली। तो ये बेटे एक एग्जांपल नेक्स्ट दी गई है, एग्जांपल ऑफ पासिंग एंट्रीज, जर्नल जनरल जर्नल को बनाया गया है विद फॉर्मेट प्रॉपरली, कैसे बनाया गया है, कैसे इसका वर्किंग है। तो ये इसका फॉर्मेट है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कॉलम्स बनते हैं जर्नल जर्नल के, 5 कॉलम। जनरल जर्नल ऊपर अपनी हेडिंग देनी है, ये मैंने साथ ब्रैकेट्स में लिखा है फॉर्मेट, ये नहीं आपने ना, ये आपको बताने के लिए है कि जनरल जनरल का ये फॉर्मेट है। तो आपने ये फॉर्मेट पास बनाना है, डेट का पहला कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, LF मींस लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बेसिकली बेटा क्या होता है, ये रेफरेंस नंबर होता है। जैसे आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जनरल जनरल कितना मोटा रजिस्टर होता है, तो चीजों को मेमोराइज्ड करने के लिए, चीजों को याद करने के लिए हम चीजों के रेफरेंसेस यहां पे लिखते रहते हैं कि ये जो परचेज था हमने यहां पे आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पहले भी 10 नंबर सफे पे हो चुकी है, उससे पहले भी 3 नंबर सफे पे हो चुकी है, तो ये हम रेफरेंस देते हैं यहां पे, क्योंकि हमें कुछ ही ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, 5-7 है, हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है कि बड़े-बड़े एक ही पेज पे है, तो इसलिए हम यहां पे रेफरेंस नंबर कोट नहीं करेंगे, लेजर फोलियो नंबर नहीं लिखेंगे। लेकिन इस लेजर फोलियो के कॉलम को बनाना जरूरी है, ये नहीं करना कि लिखना नहीं तो हम जी बनाए, बनाना जरूरी है लेजर फोलियो का कॉलम भी। तो डेट डिटेल्स या पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट, ये हमें एंट्री एक दी गई, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000, चीजें खरीदी गई हैं ₹10,000 में, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या हुआ है, क्या आया है और क्या गया है, कोई मुझे कोई बचा डिफाइन कर सकेगा? जी बेटे मैं आपको बता देता हूं, गुड्स परचेज, चीजें खरीदी गई फॉर कैश, पैसों के अगेंस्ट, तो क्या आया, चीजें आई हैं, और गया क्या है, कैश गया है। तो हमने रूल्स यहां पे डिफाइन किए हैं, व्हाट कम्स इन, जो आए वो क्या होता है, डेबिट, और व्हाट गोज आउट, जो जाए वो क्या होता है, क्रेडिट। तो बेटा यही वाली बात, चीजें आई हैं लिहाजा डेबिट हो गई, कैश गया है लिहाजा क्रेडिट हो गया, और सामने उसकी अमाउंट हमने लिख दी। उसके साथ ही नीचे इसकी लिखते हैं फिर नरेशन, वजह एंट्री को पास करने की, रीजन
कि why we have passed this entry, हमने इसको ही क्यों किया है, ये debit और credit क्यों किए हैं, हम specific करते हैं, हम examiner को बताते हैं कि भाई हमें पता है हर बात का, तो ये साथ नीचे इसकी narration लिखते हैं, narration लिखना भी जरूरी है, narration क्या होगी, जो आपकी entry है वही आपकी narration होती है, goods purchased, तो हमने जी चीजें खरीदी, तो ये इसकी narration बन गई, narration का बेटे एक number होता है, एक number मिलेगा अगर आप narration लिखोगे, अगर आप narration नहीं लिखोगे तो आपका एक number deduct हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, ये पहली एंट्री, फिर दूसरी, ये डेट वन थी, ये टू डेट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 5, अब हमने क्या किया है, चीजें बेची हैं 5000 रुपए की, 5000 रुपए की चीजों को हम फरोख्त कर रहे हैं, तो जब हम फरोख्त कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तो फरोख्त करने पे, सेल्स करने पे पैसे हमारे पास आ रहे हैं, कैश हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन, अब क्या रहा है, कैश, तो कैश हमारा डेबिट हो रहा है, एंड व्हाट गोज आउट, गुड्स, चीजें जा रही हैं सेल्स की शक्ल में, तो चीजें हमारे पास से जा रही है, तो कैश टू सेल्स और उनके सामने उनकी एंट्री की अमाउंट। तो ये बेटे फॉर्मेट है जर्नल जर्नल का, इस फॉर्मेट को भरपूर तरीके से करने के लिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, बुक भी मैंने आपको रिकमेंड कर दी है, सुहेल अफजल साहब की बुक है आईकॉम पार्ट 1 फाइनेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बोले या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोले, दोनों ही तरह से वो मिल जाएगी आपको। आईकॉम पार्ट 1 की बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी दुकान से, किसी भी बुक शॉप से आप इस बुक को परचेज करें, और इसके ऊपर जो है वो जनरल जनरल के क्वेश्चंस गिवन होंगे, चैप्टर नंबर 5 है, 4 है, 3 है, इन तमाम चैप्टर्स जनरल के ही ये चैप्टर है, उसके साथ लेजर्स पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने मेरे बेटे तमाम बच्चों बैठ के मैक्सिमम इसकी एक्सरसाइज करें, मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे जी। जर्नल बनाने का, जर्नल इज आल्सो कॉल्ड बेटा किंग ऑफ ऑल अकाउंटिंग बुक्स, सबसे पहले हम जर्नल को ही बनाते हैं। जर्नलाइजिंग मीन्स हम अपनी एंट्रीज को पास कर रहे हैं, और एंट्रीज की पास करने का अमल जो है वो सबसे बेसिक है, सबसे मेन है, तो लिहाजा आपने इस बात को फोकस रखना है कि आपने अपना जर्नल जो है वो बेहतरीन तरह से, उसमें किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी ना आए, कोई किस्म की कोई खामी ना आए। ये 20 नंबर का आपको सवाल होता है, और ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं, मुफ्त के नंबर हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आती, कोई इसमें मुश्किल नहीं आती, सिर्फ आपने इन रूल्स को याद करना है, इन रूल्स को आप मेमोराइज कर ले, अगर आपको ये रूल्स मेमोराइज हो गए तो आप लोग समझ लें कि आपने 20 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं। ठीक है बेटे जी, बहुत शुक्रिया।